फैला रहे बगुल को तब बुला रहे तू आए त्यारी बात भूल गई चलो चाहिए एक बात समझ में नहीं आ रही और ये लोग बदन सिंह कश्यप यहाँ के प्रधान जी इनके लिए दूध पीने को दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया जोड़िया बनी रे घर में कनकी के पंजार के रे श्री भगवान अरे इनने मान रे हमारे राखे इनकी पतिरा के रे भगवान शेरत में जुग जुग जीवो हमारे करे रे भगवान संजू नहीं आ रही किलो भूल जाती आधी किलो भूल जाती जामे तो आधे को फर्क हुए मो याद आई वो कोड़ी मिलो बाने कहीं तेरे दूने को बिक जाए अरे बोती के कोई अजमत धारी बनीना सेवा में बिगड़ो है साधु के फटकारे गुरु ने बाए मारी बाऊ के संग में एक सुंदर सुकुमारी बाऊ के तन से फट रही है साड़ी भैया डोले डोले मर जाए जो कहूं चल दे मेरे कुलवाड़े को मेरे भैया बाकी से जीव पति कट जाए अरे मेरे कुलवाड़े और अमन सिंह ये करेला खाने को दे रहा है मेरे लिए मैं बखे दूंगा जा सब अभाल नेगदर में बेचती हूँ नेगदर में खाम खाम ड्रामा ले पड़ती हूँ ऐसे भाज रहा है पैसे लेगा तो नहीं ये हैं भैया तेरी आए चौराहे के बीच बड़ी नम्रता से राठौरी ने नवाए दो सी भैया राम राम हाजी हाँ बोलिए बड़े बड़े लगी रही सन की छाप भैया राम 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 अरे यार तुम बहुत बढ़िया आदमी हो मैं खराब आदमी हूँ ला मैं तुम्हारे तेल लगाए दे ए दूर रहना क्यों ओ जाता है कुदरत की मां और तेल मत लगाइए मेरी टोपिन से तेरी बिगड़ जाए धीरे काया रहिए भैया दूर तुम हाथरे लगावो तेली पकोड़ी अरे है जाओगे भैया मेरे बदन सी अरे हाथ लगाइए और ये बीरपाल छोटे के और भूरे के भाई साहब ये 20 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी को दूध पीने को चंद्रगुप्त प्रधान जी सत्यवान प्रधान जी
चंद्रगुप्त प्रधान जी, चंद्रगुप्त प्रधान जी इनके लिए कह रहे हैं, स्वागत में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी हो वो इनसे मिलने आगे बीरपाल से। अरे जोड़ी रे बनी रे की घर पे बेटी और बेटा। हेलो भैया, ना लगन दो कैमरा आए, रुपया भाई से दिखा दे करो, घूम घूम के यार जहीं आता हूँ। ये विशाल कश्यप 10 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर इंसान से कहना है बार बार पैसे नहीं दें, चाहे 10 रुपए दें चाहे 100 रुपए दें, एक बार छाप लगवा के आराम से बैठे, बार बार पैसा देने से डिस्टर्ब होती है। हाथ अरे लगावे मेरी भैया कोड़ी, अरे है जाओ दे तेली मेरे बदन सी, अरे हाथ लगियो ना भैया। जोबन माया नगर की धन, जोबन माया नगर की कोई मत करो मरोर, मूरख तू इस रूप को, मूरख तू इस रूप को, माजे मलमल दोनों चाक, पल मात्र की पता नहीं जा पे कल उपजेगी। काया को मत करो करब गोबान, अरे जा काया पे भैया भैया पे खेती करे किसान, अरे जा संसारी में। शिषपाल सिंह ये अल्लाहपुर के रहने वाले 50 रुपए मेरी पार्टी को दूध पीने को दे रहे हैं। कलचन को तरे किला बन जइयो, लक्ष्मी डोले भैया पवन द्वार, बढ़त बढ़त रे भैया इतनी बढ़ियो, झंडा आसरे मान फोराए, अबले भैया तो से नाए दिन आऊं। हसी हसी काया से तेरे तेल लगाऊं, तेरी राम ने भैया ऐसी बिगारी, घर घर को कर दो दीन भिखारी, मांगे भी कपले पे नाए डारी, शाय शायरा तेरी तेल लगाए, लालच छाए गौ भैया राठौरी को, मेरे भैया तेली रो है तेल लगाए, अरे अब सुन तो दिल से। बलवीर दिवाकर 50 रुपए मंदिर को दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तेली रयो है तेल लगाए, लाल छाए गो भैया राठौरी को, अरे भैया तेली रयो सुनो तेल लगाए, अरे अब सुन तो दिल से। अरे तुम यार एक बात बताओ, दुनिया में तुम मारे मारे घूम रहे हो, देश दुनिया में तुम भटक रहे हो, कहीं तुम्हारी रिश्तेदारी या नातेदारी नहीं है? मैं करीरो सोच बिचारी, मैं करीरो सोच बिचारी, आगे कहा जा रहे हो, तुम्हारी कहा है नातेदारी? तेरे भूली वाली याद दिवाए दई नाते अरदारी की,
तेरदारी की। भैया बिगड़े में कोई मेरे नारे नाटेदार बात मेरी रोटी की लाए पड़ी। मेरे किला में आग लग रही थी और मेरे पेट में भूख लग रही थी। मैंने अपनी घरवाली से कहा कि तुम हमारे भैया फुसकर हमारे लिए खाना बना के खिलाओ। कहने लगी महाराज सब कुछ जल गया। मैंने कहा हमारे भैया फुसकर हैं, तुम उनके घर जाओ, सेवर आटा ला करके और मुझे खाना बना के खिलाओ। तुम्हें पी गई बाबर के पास सगी भाभी ने भैया लात मार दई, मांगे आटो दयो न उधार को किसको भैया याद दिया वी। तेली मेरी भैया ने पूछी बात कर को भैया मुख से न बोले, तेली मेरो कोई नाए नातेदार अरे जा भर भार। घर को भैया रे मुख से न बोले, रिश्तेदार रे पीठ दे जाए। जो सदर ते है गर्द सुमी सोने के खड़ुए क्या जानी,
अरे क्या होती है पतवर तार रंडी के भड़ुए आ जाने कमाई क्या जाने जिसके ना खिली बिवाई हो वो पीर पर आई क्या जाने ये गांत खोरा में मेरा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे भाई साहब चंद्रगुप्त प्रधान जी सागर साहब उन्होंने मुझे बुलाया है जिला अलीगढ़ से आए हुए मेरे बुजुर्ग और मेरी माताएं बहन और मेरे भाई बंधुजन। मैं उस्ताद मुंशी लाल का दुनिया में नाम करना चाहता हूं। उन मुंशी लाल का शिष्य हूं जिनका पूरी यूपी में तहलका है। मैं अपने गुरु का नाम चलना चाहता हूं। बार बार पैसे का भूखा नहीं हूं। जो बार बार पैसे देते हो एक बार पैसा दे के आराम से बैठ के प्रोग्राम देखिए। और मुझे सबसे बड़ी जरूरत है तुम्हारे आशीर्वाद की, तुम्हारे लाड प्यार की। यदि मेरा प्रोग्राम आपको प्रिय लग रहा है तो मेरे लिए एक बार हाथ उठा के बताइए किस किस को अच्छा लगा प्रोग्राम। हाथ उठा के बताइए जो गचो गचियो भैया तुम दुनिया में प्राता चले रे तुम्हारो नाम सिंह कश्यप। ये 10 रुपए दे रहे हैं मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ी बनी रे तेरे बेटन की भोड़ी की रहने वाले डिम्पी 50 रुपए हमारी पार्टी को दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ी अमर प्यारे होए बेटन की पलजा रखी रे श्री भगवान हेलो। रेणुड़ी के रहने वाले हरद्वारी नेताजी मेरे बढ़िया बढ़िया वाले प्रिय मित्र हैं। मेरे प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। ये मेरे लिए छोटे लाल कलाकार को 20 रुपए दूध पीने को दे रहे हैं। शेरों बड़ी होरे तलवार कसवार रोली बम्बई जैसो टुकड़ा वे बुला रहे हैं। मैं भैया यामी रही सले तैयब तारे अरे जा सुन दुनिया में सांड वाले दूध पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तेली भैया जा रहे हो? भैया तू रोवे मत यार, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो तू रोवे मत यार। क्यों? का उतरे भगवान तेरु लेगो और मेरु लेगो। का ले हो? खबर भांजी के तीतर पहले नो ना कैसे तो खबर ले हो नो करो भगवान तेरु ले हो और मेरी ले हो। हाँ भैया कल मैं फिर आऊंगा इन्हें मिली अली नहीं मिलेंगे तो तू तेरी घर अपने कुरो चाय अरे चाय आय हाय रे राम रंग बरस तो तेरी घर अपने कुरो चाय अरे चाय आय हाय रे राम रंग बरस तो। हेलो धर्मपाल डीलर साहब बैठ जाओ यार बैठ जाओ। सबको मालूम पड़ गई है तुम और हिसाब में बैठ जाओ। हाँ जाइए ये 10 रुपए दे रहे हैं धर्मपाल डीलर साहब पार्टी के लिए। हाय हाय रे राम रंग बरसत है ओए होए रे राम रंग बरसत है तेरी करे अपने को जाए अरे जाए हाय हाय रे राम रंग है।
बाहर से सासुकी में कबू तेल बेच के आओ। और ये 10 रुपया धर्मपाल डीलर साहब ये दूध पीने के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कबू तेल बेच के आओ, कबू सासुकी में घर ना मिली, मिली तो और के घर मिली। अरे मैं डीलर के घर चली गई, डीलर के घर चली गई। चल हिंचो नाला डंडा पकड़ जा। बड़े नाराज लग रहे हो आज तो। ए मौ फैला रहे बगुल को तब बुला रहे तू। चल चढ़ियो उतार, इतना धर गया। ओए चल बिस्तर कर। बिस्तर करूं? हाँ चल बिछा। चल बैठ। और ये 10 रुपया धर्मपाल डीलर, 20 रुपया मेरे घर से। ओफो पर्राटे काट रही है। बैठ बैठ साली। चल उठ खाड़ियो उठी। कैसी बैठ रही है बहन चो हगासी सी। एक झोला ऐसे मार, एक झोला ऐसे मार। अब बैठ। अब दबक गई कि ना दबक गई? धोती और का। चल पाए दबा, पाए दबा। ओपो पर राइट काट रही है। चल जाओ दबा। ओपो मास्टर की पर राइट काट रही है। चल जाओ दबा। आप बहुत से भैया कह रहे होंगे के तेली हम होते, अब बताओ जे फीस तुम्हारे नसीब में काजो तो मेरी नसीब में। ये सब काओ के भाग्य में ना है, ये करेले की। के फेरा मने कर दे, ये करेला ही मत के करो। चल पा दवा, जाओ दवा। अन्य का जाओ दवा, जाए आ दवा। भैया तेली कौन? मामा मैं हूं तेरो फूफा। अरे फूफा मैं तेरो मौसा। का लोगे मौसा? अरे नहीं आग ले तो यार। आग तो है ना मौसा। का है? लकड़ दर्द करो या ठूट तोल ले जा। चल बिस्तर उठा। चल पलंग ना कौन पे बस इंजन। चल हेड दबा हेड। दद्दा कौन बहु? ओए ए तेरी बहन की बहु मारो। हेड दबा हेड। देख तुमसे काम हो दद्दा। क्यों सुई तो ना हुई तुम्हारे घर है? सुई? हाँ बताओ। नेक मेरे हिसाब किताब खराब है, गरीब आई को हिसाब किताब है। इतने को पर्दा नीचे हुए तो बंगे उजक के देख रही है दद्दा करकारे। मैं कुछ कन्न को बैठो मुझे कन्न का चुना देते, पहले उजक के देखते हैं। का लेगी बहु? दद्दा ने सुई लेती करेला की बोरिसी थी। सुई तो है ना बहु, और जो फार हुआ जा ले जा। ये तो करेला ने मैं झोंके दे। अजी सुन ना रहे? हाँ अब तुम पैसा दे। हाँ मोह तो सम्मान में के जो तेने इतनी मांजा करी हो पैसे को तो करिए। और क्या कर रही है? और क्या रुपया को दो तेने? मैंने दो 20 रुपया को। तो बामे का हिला है जी? और हाँ जी अपने आप ही कर ले तो। और जब कोई ना करने को आवे तो अपने आप करने बैठ जा तू। ले जी क्या कर रहे हो? थूक लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा? एक ही जाएगा। क्या रुपया? पहले रुपया बोले करो। ले दस दस बीस बीस हिसाब बेवा। अबे रुपया और है तुम पे? नहीं अब ना है। अरे मान जा। ए विश्वास कर अपना। ए पलगी तेरी, ए पलगी रे ठाड़ो पच जाए वो रोंगटू और का दूर रे फिर। अबे पैसा और हो तुम पे? अब ना। अरे मान जा। ए अब ना। अबे और हुए? ए अब ना। ए तेरी अब ना है भज्जम हो गया। अब ना है अभी पैसा और हुआ।
खेरूंगा अपना खाइए मेरी किस्म तेरी किस्म ना खाऊंगा काम मानी सभी किस्म खा जाऊंगा कबू ना मारो तो और अम्मा से प्यारी मोर ले 20 और लाओ हे मो पहना रे जाके छुपा के कहां ले जाऊंगा ले 30 30 ले 40 20 और 20 40 चढ़िया में तेल बाकी अरे मोंदू आज तुझसे 12 साल का हिसाब लूंगी बिंदिया बिंदिया को पाई पाई को हिसाब ले लूंगी बात सही हो तो हिसाब सही हो तो कह रही है मुझसे मोंदू के साल को लेगी 12 साल का हिसाब लूंगी आज तुझसे 12 साल के मारे तो मैं फट जाऊंगा भैया फट जाओ करेला से फैला दूंगी ए बारे अरे साल को तेली हिसाब मोए दे दई तेली तेरे तनकी अरे उड़ाए दूंगी बेरी नली फट गई मेरी तो हाँ कौन सी सुतरी अय्या भेना मोसे अरे दे मेरी सांस भी ये गोली का बह गई बीस रुपए रामपाल डीलर ये दूध पीने को देते बहुत बहुत धन्यवाद कौन थी अय्या बेना सुतरी मोसे अरे देखी नहीं तेली तू तो बापे अरे लुटाए रोए तनु रुक जा मैं दस्त फिर जाऊं पहले हेलो फिर से ये 10 रुपया धर्मपाल डीलर साहब ये दूध पीने के लिए दे रहे हाँ कौन सी सुतरी अय्या बेना मोसे अरे देख रही तेली तू तो कब से अरे लुटाए रहे मोए मैं सही बताऊं तो अब मत तुम्हारे मोए मैं सही बताऊं तो तेरे सपन करो मेरो प्यारी सुन 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 तेरे सुन 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 लागे बहना मैंने प्यारो मानो कहना वो क्या प्यारी लागे बहना
थूले बात लड़ाई ले नैना राजा सुन सुन बलमा सुन सुबह में नगरा लेके धायो राजू सुबह में कगरा लेके दायो एक कोड़ी गैल में पायो सुबह में कगरा लेके दायो एक कोड़ी गैल में पायो बाने उबले तेल लगायो बाने मोया से सुनायो प्यारी सुन सुन तेल सुन ओ तुमने जब से चौना बताई मैंने बेकार मारे लगाई तुमने तब से तो न बताई मैंने बेकार मारे लगाई अब मेरी समझ में आई राजा सुन 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 बलमा सुन 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 दूला सुन सुन मारे तेने सी मारी लगाई रो रहे हो कैस रहे हो पतो कछु ना है जिन्हें मैं रो रहा हूँ जिन हंस रहा हूँ और क्या कर रहे हो मैं तो जो ही मालूम पड़ रही मैं रो ही रहा हूँ भैया काय को रो रहे हो तेने सी मार लगाई सबई रिंच पाना टेढ़े गए भैया रे अरे चुप जा काय को रो रहे हो तेने सी मार लगाई आधे में चुलचुली आधे में लपकल पड़ रही है भैया रे अरे चुप जा काय को रो रहे हो अब मैं रो ना रो और क्या कर रहे हो अब मैं सुपक रहे हो क्या सुपक रहे हो अब मैं सुपकू ना रो अपनो मन बेलाए रो भैया रे अरे चुप जा ले चुप गो तुम कह रहे देख एक कोड़ी एक कोड़ी नहीं मिले बाले कही तेरो तूने को दिखता अगर घर के घरे आएगो तो सोने को खम गड़ जाओ तो चले वे मिलेंगे कहाँ वे चौराहे पे मिलेंगे और नहीं मिले तो देखी जाएगी ना मिलेंगे तो बहुत मारूंगी ठीक है चल चलो अरे नहीं लगता जिया अकेले में नहीं लगता ओ नहीं लगता जिया अकेले में नहीं हेलो और ये भूड़ी के रहने वाले रोटन सिंह नहीं लगता नहीं लगता जिया अकेले में नहीं पप्पा तो बोली थी तुरिया तेरे घर में घुस गो ई सुरिया तू रपट लिखावे कब जाएगी कब आऊना है तू सुन ले बेना हर प्यारी तो से कह रही बेना ना प्यारी तू गंगा नावे कब जाएगी कब आऊना है गंगो गुना नाते ना। मन मने करी करो लारो मंगा मन मने करी करो लारो यहाँ तो कहीं पर नहीं नजर आ रहे हैं देख रहा हूँ तो बे बैठे दोनों अरे वो नहीं है हम भी ना और ये 10 रुपया
20 रुपया डिप्टी भूड़ी के रहने वाले ये स्पेशल टूपी निकली दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देख बे बैठे दोनों, अरे वो नहीं है, देख जे बैठे, राम राम। अरे बहन पाल आगती हूँ, कहिए। हम सूत करके आए, हम यहाँ कपास कर रहे हैं। सूत और कपास का मतलब भाई? भांजी के तीतर जो कपास ही नहीं होगी तो सूत कहाँ से आएगा? ईट को जवाब पत्थर से दे रहे हो। खरी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हारनपुर का ला रहे थे। भैया हमारे संग हमारे घर चल सकते हो? नहीं। क्या तुम हो कौम के मुसलमान? अरे यार मैं कौम को ना हूँ मुसलमान, मैं कौम को ना हूँ मुसलमान, हिंदू राठौरी मोह से कहते सब बनियन में बनी हवेली, मैं और मेरी तेलिन अलवेली। भैया पे बाली बच्चों ना है? अच्छा बालक के जुगाड़ में हो। अरे बदतमीज, ये बात समाज में कहने की नहीं होती है। ओफो फर्राइटे भर रही है। पहले हम अपनी घरवाली से बात करेंगे। तुम अपने घरवाली को पिस्सू सा क्यों? मैं तो खालू देते तो दियारी की। हाँ हाँ तू मैं सबको मालूम है, खालू देर के आओ घर जी बहू की। अरे रानी महाराज तेली आया है, ये कह रहा है बोलो हमारे घर चल सकते हो। हेलो हेलो, उसकी आवाज कैसे कम हो गई भैया? हेलो 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 हेलो, अरे हेलो सुतरेगी काया पात फेरे करियो घानी, सरसा छान तन की ते मन की ने जानी, मारे मारे डोले देश दुनिया में, और ना कावन पूजी बाती बात पूज लिया जुते लीने, मेरे बाल तेलिया के चलंगी में द्वार के ओखा भैये मर्जी है चले। हाँ मेरी मर्जी है तो मैं तेली से बात किए लेता हूँ। ठीक है भैया तेली। अरे तेरी ना यार मेरी है। क्या चीज? चढ़िया। मैं कब अपनी बता रहा हूँ? और हम चलने को तैयार हैं। तनखा का ले हुए? तनखा कुछ नहीं चाहिए, और शेर भर मीठे तिल की रोज खाने को खर्च चाहिए। मिलेगी भैया और कुछ? और सुन वह की करी फिर मिठे आएगी। तू मेरा बड़ा भाई और मैं तेरा छोटा भाई, कभी मेरे घर में आएगा अंदर तो खांस मठार के आएगा। अरे ओए वो तो तू गुंडा लग रहा है। पूरे गांव को मालूम है बहुत शरीफ आदमी हो। हम ना जाएंगे तेरे घर। क्यों? जब तू बहू को मुंह देख के यहाँ खांस रहा घर ले जाके तेरे का कर रहे हो? हम ना ले जाएंगे। अरे यार मैं जाके मारे खांस रहो कि मैं खांसूंगा तो बहू पर्दा कर ले। चलो मैं धोखा फोको ना करूंगा संग में, तुम चलो तो सही। अच्छा हाँ ऐसे ना हो यकीन, संग तेरे हम जब चले दरवाजा मोतीन, एक दो तीन जा से तेरे बुनरक्की सामा करे, मैं धोखो ना ए करंगो संग में चलिए कोलवा। Yeah.
शस्त्र पे दे के गए हमारी पार्टी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चले अब आगे आगे रे तेरी पीछे नरवर मारो चाहे रहे हो। ये कैसा समाज बैठा है। हेलो जे भैया पिंगल को मीना बजा रहे, जे सब सेठ साहूकार बैठे दस पिंगल में भैया चवन आयो। पिंगल कुबा ने सीसरे झुकायो, बिल्कुल करता मेरी कह के पतली नहीं पाई। अरे जा कुल ये भैया सामने ऊंची बिल्डिंग किसकी बन रही है बे भैया, ये राजा बुद्ध की है, यहाँ का राज करते हैं और चाय गली में मेरू घर हुए। कुमरपाल डीलर साहब लिखने वाले भैया ध्यान दें कहां पर चले गए, 500 रुपए कमेटी को दे रहे। कुमरपाल डीलर साहब 500 रुपए कमेटी को, 50 रुपए मेरे लिए दूध पीने को दे रहे। जे भयो झटका भैया सुन रही सबको, के कालू जी को रे बकाने नाम मेरे खाता माता सुनिया में शंकर पड़े रे पिता की याद, रण चढ़िया रे बंद की याद, तेरी भुजा रे छप्पर के ऊपर अटरिया बार वो छनिया बेर घर हुए। अच्छा अटरिया के ऊपर छप्पर या छप्पर के ऊपर अटरिया? हाँ अटरिया के ऊपर छप्पर हुए भैया। हाँ एक ही घर है, मुंह पे अलग रहोगे या सामने रहोगे? हम तुमसे अलग रहेंगे। भीतर रहोगे या बाहर रहोगे? हम अंदर रहेंगे। जा घुस जा। हाँ मेरे प्यारे श्रोताओ, मेरे बड़े ही सम्मान करने योग्य पिता तुल्य बुजुर्गो, देश की मान मर्यादा रखने वाले नौजवान साथियों, भूमि के आंचल में पलने वाली मेरी दादा अनुसुईया जैसी मात शक्ति, राजा नल बामन का क्षत्रिय नरेश जब तेली के घर पहुंचा, किसी ने देश दुनिया में उसकी बात नहीं बूझी, तेली के घर में कदम दिया तो क्या हुआ। जब शुक्र शनिचर ने झटका खाए तो फिर छाई सी अरे उतर गई मेरी राम।
सनीचर नल को पीछो अरे छोड़ दे सुपुत्र नितनेश ये भी सुबेद रहे पार्टी को पारी उमर के उमर लड़िया मुख में बहरी रहे दूध की धार शुक्र और शनिचर बाहर खड़े रह जाते हैं। जब तेली के घर में रायनल घुसा कहने लगा तू तेली के घर घुस गया। हाँ भाई क्यों बंदो तेली के घर घुस गया मेरा चोर नहीं चल रहा है और मेरी ओखा के 3.5 महीना बचे हैं कभी समय आने पर तुझसे चुकाऊंगा। नल रे पोछो तेली के द्वार पामन गण को राजा कल तेली के भैया रउआ बनती रे अरे नल तेली और तेली बात करते हैं। तेली कहने लगा दो परदेसी पता नहीं कब के भूखे प्यासे हैं इन्हें खाने के लिए भोजन दे दो आवाज कम कर दी। ओ हमारे घर से अरे क्या कह रहे हैं मेरे बाहर से देख ये दो परदेसी आए हैं। हाँ ना जाने कब के बेचारे भूखे प्यासे हैं कब के भूखे होंगे। अगर कोई किसी के जहाँ आ जाए वो मेहमान के समान होता है मेहमान के समान होता है। देख शेर बत्ते करिए और 1.25 शेर दे कहिए मेरे घर पे ज्यादा नहीं है उनने तय करी उससे भी कम ले जाऊंगी। अरे भैंचो पदोरिया तेरे बालक जाए पाए ना चलेंगे तुम्हारे तो होंगे ही ना। चल दया तेरी राज्य इतनी दया। हाँ मैं जा रही हूँ। अरे बहन परदेसी अरे बहन पाला गतियों खुश रहो बहन आपका स्वागत बना रहे। क्या बात आपका भोजन लेके आई हूँ। ठीक है लाइए बहन। लो बहन और अभी पानी लेके आ रही हूँ। तुम्हें ती भोजन लेके अपने पति के पास पहुंच जाती है। महाराज ये भोजन दिया है और लो इस भोजन के लिए आप खाइए। ये भोजन आप खाइए महाराज। तुम भी खा सकती हो भोजन के लिए। आपसे पच जाएगा तो मैं खा लूंगी आपसे पहले नहीं खा सकती। देखिए मेरी माताएं बहनों और मेरे भाई बहनों। हाँ भाई ओए पीछे सिंगार घर में कोई नहीं जाएगा और नेकू एक्टिंग देने की कोशिश करी तो मैं जितना अच्छा उतना खा। अरे 18 दिन में अरे नल घर को भोजन खायो बड़ो अरे स्वाद मेरे भैया बा भोजन में आयो खानो खाए थे आलस अरे
ठाकुर को भैया बाए फेरे तन की अरे खवैया दादा तुम्हें थी क्या ये भोजन खाती जमीन पर क्यों गिर गए मुझे देखना चाहिए। लकड़ी जल कोला भई कोला जल भई राखी और मोसी पापे लनाए चरी लाए कोला भई मैं राखी काका सब तन खाइए फिर चुन चुन खाइए मासु और तुए नैना मेरे मत खाइए कोई पिया मिलन की पिया जी वो को छोड़े के अकेली प्रसाद तकोरी करने वाले ये 50 रुपए का पुरस्कार मिस्त्री साहब ये दूध पीने को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत में पति पत्नी का नाता और जल पीने की चढ़ भी भर जाता तुम्हारे पिले कुछ नहीं दिखाता तुम्हारे पिले कुछ नहीं दिखाता काको चले
भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। अरे रानी, तेली को अश्राप क्यों दे रही हो? तेली को अश्राप क्यों दे रही हो? मैंने समझा के आपके लिए जहर दे दिया तेली ने। 18 दिन में मैंने घर को भोजन खायो, बड़ो स्वाद प्यारी बा भोजन में आयो, खायो री खानो त्रिया आलस बोतू आयो। मेरी बिगड़े में पूछ नहीं बात, अरे बा सुनते पूछ लेना रे सुन तेली ने, सुन मेरी मंडवेरता सीनार गलती कबू करम दीना, माफ कह दो मोए दुखिया मेरे बालमा, मोह कर दियो तुम तो माफ गाली। माफ करो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें जहर दे दिया। हेलो हेलो, और जी बीच कुछ दान दाता बारे 50 रुपए वीर सिंह सागर साहब। सकत कुमर रे फिरत गलियन में, ओथली ते तरे दिखाई, अरे चाद तो बनी रही मेरे बाल मती, ते वाले दिखया मेरे दिख जाए, लाशे भिनक रही है रे सैया की, ते वाले ते तरे Thank you.
तेली और तेलिन आपस में बात करते हैं। तेलिन कहने लगी परदेसी बुला के लाए, तीन दिन हो गए पड़े पड़े खाते हैं, काम काज कुछ नहीं करते, इन पर कुछ काम करवाओगे या नहीं? अरे ओ हमारे घर से का कर ये मेरी बाई से? अरे जो दो परदेसियों को लेके आयो तुम, आहा वो खा लेते हैं पर रहते हैं। अरे एक दिन आपको मेहमान, दो दिन आपको मेहमान, तीसरे दिन बन जाते हो मेहमान। कुत्ता खाते वो पूछ लाए खाते है। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं बापे कोलू चलवाऊंगा और तू बापे सरसों फटक भैये मोटी मोटी अलग और बहन बहन अलग, तू बापे सरसों फटक भैये, तू बैठ में जा रहा हूँ। जाओ काम बता क्या। भैया सो रहे हो कि जग रहे हो? जग रहे। ए भैया बोलिए। घर खा ले तो? खा लेते हैं। पर रहे तो? पर रहे मैं। तुम्हारी कमर में दर्द ना होता है? ना। कमर में दर्द होती ना है? क्यों? कुछ काम करना नहीं जानता? तुमने काम बताया है यार, बताओ तो ना है। फिर ताना दे रहे हो? अरे यार ताने की कोई बात ना है, ले जे है सावर, इससे क्या होगा? और देख वो ढूंढ रही है बतिया मारो कोलू। कोलू के तेरे को मौका रहो भांजी के परामटे ओलू, देख जाको हाकत रही है। अच्छा सावर से गानी को तारत रही है, गानी मेरी तक पे जाए आए लाठ लगा के नीचे जाके पलीता दिए लगा, जे तेरे रोजीना काम करने को जाए कर। हे प्रभु माया तेरी मोदी खत अधिक कमाल, तू राजा से जोगी करे और राजा को कंगाल, आज पामनगढ़ को राजा पाटवा तेली की चलाए रो। भैया बात सावर अरे लाग रही दादा, पामनगढ़ को राजा पाटवा तेली की चलाए रो। राजू देख के अशगुन कर रहा हूं, राजू पैसे लेके आओ, अशगुन कर रहा हूं तुम्हारे काम को देख के। हाँ रो रहा हुए? नहीं अशगुन नहीं कर रहा हूं। फिर काय को रो रहा हुए? मुझे अगली पिछली कुछ याद आ रही है। अच्छी याद तो क्या, अगली पिछली बात याद आ रही है? नल रे कोलू रे
जलाए, अरे गरीबी जा दुनिया में बैरी तेने सब तेरे मारी दे मान, अरे जा सुन दुनिया में। और ये राम प्रकाश मिस्त्री, राम प्रसाद मिस्त्री तुम्हारे बिलाप पे खुश होकर के दूध पीने को देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ा बनो ले बेटनी को, अरे पंजा रखे रे श्री भगवान, क्या तारी पकड़ू रे भैया की, मेरे भैया शोभा बरन कहीं न जाए, अरे जा और 20 रुपए पन्ना लाल सरदार जी, इनके लिए 40 रुपए तुम्हारे बिलाप पे खुश होकर के दे रहे तुम्हारी गरीब आई को। कपटी कुटिल रेनी चकुल द्रोही करे चाहे सदा रे और किया हाल, सज्जन पुरुष रे क्षमा दर्शावी नंगा करत रे फिरत उत्पात, हित की बात सूर सब लागे चेहरा को पी दे भैया दूध समान, घर को भैया रे ही लागे दुश्मन चचीरे सने यार। और ये 10 रुपए पन्ना लाल सरदार जी कह रहे कि भैया कोई मंदिर पे कपला ना करे, ये 10 रुपए भैया मंदिर को दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कर ले चढ़ाऊ भैया सिद्ध बाबा पे ऐसो समय रे मिले गोनाए, भैया तेली मैं तुम्हारे काम को देख के कभी नहीं रोऊंगा। पर ठीक है तू रोवे मत यार, सीखा सीखा सीखे करो भर भर पल्ला पीछे जाती यार, रोजीना काम कंड को तेरो जाई करिए। ठीक है जा, बिगड़ रहे हो है रूप कंडो तेल में आए गई बाके हाथ में लग रहे हो, ए राजू ओ राजू पैसे का भी ध्यान रखे राजू, ओ हमारे घर से देख, अरे क्या कर रहे मेरे बाहर कोलू चलवाया हो, कोलू चलवाया और तू वहां से सरसों फटक भैया मोटी मोटी अलग महीन महीन अलग, तू जा मैं जा रही है जल्दी। अरे बहन खुश रहो बहन, आप खा लेती हो पर रहती हो, कभी आपकी पीठ नहीं पिराती है? पीठ क्यों पिरावे बहन, कुछ काम धंधा करना नहीं जानती हो आप? तुमने कोई काम धंधो बताओ है? मैंने बताया भी नहीं, आज मैं बता रही हूँ तेरे लिए काम। ठीक है बता। ये सामने सरसों का ढेर दिख रहा है? दिख रहा है। इसमें से मोटी मोटी अलग और पतरी पतरी अलग काय से? सूप से। सूप कैसे चतरक कर रही है सूप? अरे बहन मैंने सूप नहीं देखा है आज तक, इसलिए मैं कह रही हूँ। आपने देखा नहीं है सूप? नहीं। और अपने पाप में तारी घर काय को फटको खाओ? खाली रोटी देखी, मेरे पास रोटी आती थी, सूप नहीं देखा है? नहीं सूप तो चलाने वाले कोई और ही थे। अरे तन से मैंने हंस चुमाए, कपाऊ सूप चलाओ भी ना
कैसे पर कभी भी सूप जलत मौका चलाए के दैया दिखाए जैसे फटकोगी में सीख जाऊं मेरी बीबी मोको चलाए के दिखाए दो सूप कैसे करके चलाए आपने देखा नहीं सूप नहीं बहन मुझे चलाए के दिखाए दो मैं चलाए के दिखाती हूँ सूप भी दिखाती हूँ ठीक है जैसे मैं फटकू ऐसे ही फटकना ठीक है बहन अरे बहन ये सूप है और मैं चला रही हूँ आप देखती रहना और ये चंद्रगुप्त प्रधान जी वर्तमान प्रधान 500 रुपए मेला कमेटी के लिए सिद्ध बाबा के लिए और 100 रुपए हमारे लिए दूध पीने को दे रहे हैं और ये दुशांत प्रधान जी के भतीजे 50 रुपए मंदिर के लिए दान दे रहे हैं इनसे ले लो पैसे जोगा जियो भैया तुम दुनिया में शेरो चले तुम्हारो नाम चोला बनो रे भैया घर पे तन को मेरे भैया प्यारी लड़बड़ी और तलवार ले शेरो 10 रुपए राम नवास मंदिर को देते हैं ये 10 रुपया और ये कल्याण अपनी मौसी के लिए दूध पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद दीन ने देख रे दया नहीं लावे संजा काल रे चपे नहीं नाम अभ्यागत रे द्वारे पैन रखे घर में जाय रे करे विश्राम चोरी करे रे झूठ मुख बोले ऐसे मनुष्य भैया संसारी में देखत लगत रे अलौकित पाप तुमने कभी चलाया नहीं सूप मैं चला के दिखाती हूँ हाँ दिखाइए बहन हेलो कमेटी वालों से कहना है पैसे लिख लें 500 रुपए कुमरपाल डीलर साहब हमारी पार्टी के लिए मेला कमेटी को 500 रुपए देके गए थे और 100 रुपए मेरी पार्टी को देके गए थे दूध पीने के लिए डीलर साहब मेरी आए सलामी पढ़ के लगी रही सन की छाप और ये कालीचरण 10 रुपए 50 रुपए प्रधान जी के भाई साहब ये 40 रुपए 50 रुपए मेरे लिए दूध पीने को दे रहे कुनवादर से पिड़धांडी को झटका निरालो भैया तिलदांगी को और ये श्रेष्ठी और मन्नु तुम्हारा क्या नाम है सत्वीर की सुपुत्री मनु और श्रेष्ठी ये 100 रुपए कमेटी को और 50 रुपए मेरे लिए
भैया तेरी रण बड़ी और तलवार जोग जोग जियो तुम संसारी में भैया बोलो नाथ भैर भंडार अरे जा सुन दुनिया भैया तो कैसे हंसो लेकर जाए को जब बाद में पतो अरे बेटी बेटा जवाब लगा बंदे घर बारे सब रोदना मचाने भैया ओढ़ चादरा सो जाए गो जब बाद में पतो पकौड़ी वाले राम बाबू दिवाकर वीर सिंह ये 20 रुपए किसे दे रहे हैं मेरे लिए दूध पीने को दे रहे हैं भैया को धन्यवाद 30 रुपए मेरे लिए दूध पीने के लिए राम प्रसाद मिस्त्री तखोरा के रहने वाले फिर मुलाकात होगी और फिर मिलेंगे चंद्रगुप्त प्रधान जी की बुआ जी चंद्रवती 50 रुपए दे रही है अमर होए नाती बेटन के घर पे फूली नहीं रहे फलवार अब बड़ बड़ छापे लग रही सन की बैठे सदा मत दरबार भैया जन्म सोई जन्म ना फिर जन्म बांज रह जाए जननी जन्म सोई जन्म हेलो हेलो और इसी बीच हमारे कुछ भक्त है जो मंदिर को दान करा है 101 रुपए और ये लाल सिंह टकोली गिरती बाद आते ऐसो समय रे मिले बोनाए और ये भी सिंह 10 रुपए दे रहे हैं हमारी पार्टी को कह रहे हैं कि दुकान पर जलेबी 50 रुपए किलो है जलेबी 50 रुपए किलो है गर्मा गर्म जरूर लेके जाए ये बीरपाल 10 रुपए स्पेशल दूध पियन को देते हैं मंदिर के नाम दे रहे हैं अरे बहन अरे बहन इस तरह से ये सूप चलेगा ठीक है बहन मैं इसी हिसाब से चलाऊंगी आप चलाइए मैं देख रही हूँ खड़ी खड़ी ओ खा पर गई तेरे मंती के बेगर कयो जाको रूप और जाति पाति का चुनाए पूजी बाके हाथ में दे दो सरसा
फटका न जाने नलकी नाल सलसो फटका न जाने नलकी नाल अरे तेरे न कानी अरे जल्दी जल्दी हाथ चला साल बहन में अपना भूलंगी बा सूखा साल अरे मोई तोरा बेरी और ये नंगला बारात देने वाले वीर सिंह 20 रुपए मेला कमेटी को दे रहे हैं और 10 रुपए क्या नाम बताया वीरपाल ये भूड़ी के रहने वाले तखोरा के रहने वाले ये 10 रुपए मेला कमेटी को दे रहे हैं पन्नालाल सरदार जी 10 रुपए ये दूध पीने के लिए दे रहे हैं धन्यवाद गाड़ी दे रही है भाई काए को चलाए दई तुमने मो पहला गलती कछु ना है मेरी बीवी मो पे लाते अरे चला और ये राम प्रसाद मिस्त्री और पन्ना लाल दोनों भाई भाई 50 रुपए हमारी पार्टी को दे रहे हैं धन्यवाद हरी बहन लोबो मती आज ऐसे करो कल बढ़िया करोगी सीख सीख सीखोगी भरवर पल्ला पीसोगी ठीक है बहन आप कहीं मेरे नसीब में गारी है तो मैं गारी सुनूंगी पति ने मुझसे कहा था कि तू गारी नहीं सहेगी तो औखा नहीं कटेगी वो मुझे बात याद आएगी बहन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाऊंगी यहाँ से ठीक है बहन आप आराम करिए डिस्ट्रिक्ट बताइए थाना शरीफ नगर के रहने वाले बाबूराम मिस्त्री साहब यह अजीतपुर नदरोल के रहने वाले हैं 10 रुपए गुप्त दान 30 रुपए मेरी पार्टी को दे के गए
अब यादव कुल में जन्म लियो एकदम धजा रही फोराए क्या नारी पकड़ो रही संगती लाइट है टंट सर्विस बाय डीजे साउंड टर्बिन दोनों जने मिलकर के ये 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो और इसी बीच हमारे कुछ बात रायनल के आने से माला माल हो गया, मालदारी का सेला जाने लगा तेली का, और जब से आए नल नरवर वारो बन गए काम कर हारे। कहा भैया मो कोई कंडन में ना पात तो, और कहा मेरे एक रोटी ना होती, और कहा मेरे जा एक दिया न जत्तो। आज मेरे जा जनरेटर सेवा कर रहे हैं, कोई मोह कीर्तन में न गिनतो। आज मेरे के जा गांव में पंचायत ना टूटते, जब पहले मैं बुलातो मैं बुलाऊ जातो तब पंचायत टूटते। अब मैं जा रहा हूँ भैया को खानू बदलंगो और बा को काम बदलंगो। अब मैं जा रहा हूँ भैया के डोरे। भैया सो रहे हो कि जग रहे हो? जग रहे हैं। भैया तुम खर कोई भोजन खाते हो यार अन्न को खाते? तुमने कब अन्न का दिया है सो हमने मने किया है। यार अन्न को दो तो ना यार, फिर ताना दे रहे हो। अरे यार ताने की कोई बात नहीं है, और आपने तय किया इसलिए आज मैं कुछ आपसे कह नहीं सका। भैया बोलो, आज से काम मत करिए और काम करिए। अच्छा, इतने मेरे नौकरे सब पे हुक्म बदलिए, मेरे बहुत तेरे ऊंचो नीचो हिसाब किताब। आज से तो मुनि माई को दे किताब। ले बहु खातो पकड़। बहु खातो या भाई खातो? हाँ भाई खातो, सब लेन देन जाई में अगलो पिछलो। अच्छा सबका लेन देन जाई में। जे मास्टर सतपाल इनकी बहन ले गई। कितने रुपया? 50,000। फिर नौकरी के लल्ला मैं ईख में दूंगी तुम्हें। हाँ जब ईख फिर जाएगी गन्ना कट जाओ तब मैं ब्याज सत पैसा मिले हो। और जे नकारची इनकी मौसी ले गई 30,000 रुपया। उन्हें उना दे बे नौकरी में बाजरा में दूंगी। बाजरा बहु जाओ तब कट के पैसा मिलेंगे। और जे हरिपाल की अम्मा ले गई 20,000 रुपया। 20,000 बे नौकरी में लल्ला पिपरमेंट में दे दूंगी। पिपरमेंट अब बहु जाओ तब कट के फिर के पैसा मिलेंगे। मैं ब्याज के लगी है। ठीक है। और तेरी बहू कहाँ है? घर में ही है। अब तो ऐसी बार एक कमरा में परी होगी। बात कर ले हो। ठीक है जा। अरे परदेश अरे कौन दद्दा? बहू हाँ मैं तेरे आदमी को मुनि बनाया हूँ। अच्छा मैं तो मुनमुनियान बना रहा हूँ। क्यों कैसी मुनमुनियान? प्रधान घर में कौन होते? प्रधान जिन। और डॉक्टर घर में कौन होते? डॉक्टर नी। मास्टर घर में कौन होते? मास्टर नी। और मुनिम के घर में कौन होते? मुनीमन। हाँ मुनीमन मैं कह रहा हूँ जो मुनमुनियान। भाई नहीं ईमानदार है बहू। हाँ आज से काम मत करिए और का करेला टूटेंगे दद्दा। मैं कह रहा हूँ
ना मैंने की सस्सों ना छाटूंगी आज से। देख आज से काम मत करिए, काम करिए। इतनी मेरी नौकरानी है, सब पे हुक्म बनिए। मेरे बहुत तेरे ऊंचो नीचो हिसाब किताब, आज से तो मुनि मिल को दे किताब। ले बहु खा तो पकड़े बहु के बई खा तो नहीं ईमानदार हम जान तो रहा है अभी कच्चे दत्ता नए ईमानदार हिसाब से डग धरियो जा संसार में बहु। हाँ जेउ तो देख ले के हिसाब ने है के ना है बहु। साल में कितने दिन होते? 360। महीना क्या होते? 12। क्या महीना गंदे होते, क्या महीना साफ होते? 4 महीना गंदे होते हैं, सब साफ होते हैं। 4 महीना बे कौन से गंदे होते? चौमासे वाले। अच्छा वो रपट रपट कित का बेवार है। हाँ अच्छा बहु तो हिसाब न मालूम पड़ रही है। ए बहु हाँ जे महीना कौन से चल रहा है? जे पूस चल रहे हैं। पूस के बाद में कौन चढ़ेंगे? महा। महा के बाद में कौन चढ़ेंगे? फागुन। फागुन के बाद में कौन चढ़ेंगे? चैत। चैत के बाद में कौन चढ़ेंगे? बैसाख। बैसाख के बाद में कौन चढ़ेंगे? जेठ। ओ बहु ब्रेक हिंजे मार जा। अगर रात के 12 बजे पूर्णमासी लग जाए तो जेठ चढ़ जाएंगे। मैं सब समझ रही हूँ। क्यों तुम मेरे जेठ लगत हो? बहुत समझ। मोसे मजाक मत करियो। और पतिवीरता औरतों शराब दे दो तो कोड़ चिचियावे हो। मैं शराब तो मैं कभी पीते ही ना हूँ। दद्दा मैं का कह रही हूँ को मुँह से मजाक मत करियो आज के बाद। ठीक है असर बहु काम मत करिए जा ऐसी बारे कमरा में ले। ठीक है दद्दा मैं काम ना करूंगी, काम कराऊंगी, सबको हिसाब कर। तेली माला माल हो गया पूरे कुलवाड़े में, पूरे पिंगल के अंदर उसकी मालदारी की चर्चा होने लगी और राजा बहुत पिंगल के नरेश क्या करने लगे। पहलो ही लड़का भयो बुद जबर करेंट स्टोन पिंगुल मारे भूपजी नौ तिल सातो को। आज हमारे पुत्र का डस्टोन है, छोटे बड़े मेहमानों को सभी को बुलाऊंगा और देश देश के लिए पत्र भेजवाऊंगा। राजा बुलाए ले मैं तो अपने अरे द्वार पे। शिकार को गया राठौरी जिसको रघुआ रघुआ कहते, आज उसको रघुनंदन साहब कह के बोलते हैं। बहुत बड़ा धनी है, मेरी कोठी से उसकी कोठी बहुत बड़ी है। ये कातावत रे भेज दे में रघुनंदन तेली को। ये द्वारे पे सबके लिए पत्र लिखे किस प्रकार से सिद्ध श्री सब लाए तो उपमा बरियो के बने तुम रहियो। हमने जो दावत लिखी ने कहवे राजा सभी तुम आइयो।
के मोको बंदा बो धीर गुजरात के मैंने सेट लिखे हैं और बागड़ के जाखर वीर बागड़ वाले जितने भी ठकरोत है सबके लिए मेरे यहाँ दावत है राठौरी को दावत भेजवाए दे और का मंत्री लयो रे मंत्री महाराज जय शंकर की जय शंकर की कहीं हमारे ला कोई सेवा बताइए आज तुम्हें दिख रही है हमारे यहाँ चहल पहल जी महाराज हमारे यहाँ आज हमारे पुत्र का डस्ट होने खुशी में हम बामनगढ़ के लिए दावत भेज चुके हैं और पिंगुल में जाइए गांव तखोरा में भी जाइए सबके घर घर दावत दे दो अच्छा महाराज राजा पुत्र का डस्टोन रचा रहे हैं जो आप कह रहे हैं अभी होगा राठौरी को पूरे कुलवाड़े को मैं जन बच्चा से दावत दोगे ठीक है महाराज जाइए जा रहे हैं चले जाओ अरे चिट्ठी आ रे लेके मंत्री अरे जा रहे हो कुलवाड़े को बड़ा वैसे आदमी हो क्यों दूर से कर रहे तो कह रहे घर पे घर से भेज देते और नजदीक आ कर रहे तो कह रहे मेरे मूड पे बैठ जाओ बीच में से कर चिरंजीव हाँ कैसे आए क्या मतलब है हम तुम्हारे लिए एक पत्र लेकर आए हैं दिखाओ ले चलो पहुंचो भंडारे में इसे पलट कर देख लो तुम्हारे लिए चूल्हे का मतलब क्यों ही है जाओ हम पढ़ लेंगे पहुंचो भंडारे में पहुंचो सब चीज बन गई जाओ लिख रहा हूं यहां से लिख जाओ करेला की सब्जी अब तो चिट्ठी चैन ना लेंदे रहेंगे अब जा भैया के ढंगानी या पढ़वा के लाऊ भैया सो रहे हो यार का सो नहीं रहे हाँ जग रहे हो जग रहे यार अब तो चिट्ठी पे चिट्ठी अच्छा लेटर पे लेटर अच्छा पर्चा पे पर्चा पत्थर अच्छा। पे पत्थर चर्चा पे चर्चा एक ही बात होती है सब यार ये चिट्ठी आई है पढ़ के सुनाऊं हेलो पढ़ के सुनाऊं सुना
सिर्री सिर्री 108 सिर्री। हाँ जी सिर्री सिर्री 108 सिर्री श्री श्री 108 श्री सेवा राम लवेदम है सेवा में निवेदन है समाचार भी का समाचार ये होगा चिरी भाई हो तो मार साले श्रीमान लो भैया मुंह पर नौकरी हो तू उखार जा इसमें श्री श्री 108 श्री राजा बुद्ध पिंगुल के नरेश उनके बच्चे का जन्म हुआ है उस डस्टोन में प्रोग्राम है तुम्हें पूरे कुलवाड़े को चूलन होता दावत है तो भैया चूलो ले जानो पड़े हो चूला ले जाना नहीं पड़ेगा और ये कहनावत होती है आज सब लोग दावत राजा बुद्ध के घर खाएंगे टोटली किसी के घर चूला नहीं चलेगा तो भैया सबसे मने करो आज काम नहीं करेगा हाँ भैया सब नहा धो करके तैयार हो जाओ राजा बुद्ध के यहाँ दावत खाने को आज कोई अपने घर खाना नहीं खाएगा नहा धो के सब तैयार हो जाओ सबसे कह दे सबसे कह दे भैया जे कपड़ा उतार दे क्यों नए कपड़ा पहनो फिर तुम भी चलो दावत खाने के लिए ये तो हम पुराने पहरे पर हैं तुम भी चलो दावत खान दावत खाना और खिलाना समझदार इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है आप जाइए खाने में नहीं जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा तुम ना खाओगे मेहमानी तू ना खाओगे मेहमानी भमर ताल पे मेरे पतियन को प्याय के लिए पानी टकोली करने वाले हैं मेरे भाई साहब लाल सिंह 25-25 रुपए दोनों कलाकारों को धूप पीने को दे रहे कसबा टकोली बंबई को टुकड़ा बामे रही सले ते अवतार खास प्रेमी मेरे कसबा टकोली में अपनो प्रेम रे रहे हैं तरसाए सेरत में जुग जुग जीवो अमरे करे क्या कह रहा था तू ना खाएगो मेहमानी और तू ना खाएगो मेहमानी बबर ताल पे मेरे पतियन को प्याय के लिए तू पालो मेहमानी खाइयो अपनी करो मनमानी ताल पे पतिया भैया पिया बंदी पानी हो ते हो तुम हो तू ना कोलवा तेरी दावत कुमरपाल डीलर साहब ये 30 रुपए का पुरस्कार 300 साजन को दे रहे हैं डीलर जी अमर रहे रे चित्ते गानी अमर रहे भैया महल दिलानी अमर रहे रे भैया हाथी घर घोड़ा अमर रहे रे बेटी बेतन के छोड़ा चारो चले भारत में नाम जोड़ा बनो रहे रे बेटन को मेरे भैया बैठा रखे श्री भगवान अरे संसार अब तुम दावत खाने जा रहे हो मैं जा रहा हूँ अलग कर दिया हम बदियों को पानी पे आगे लाएंगे ठीक है ऊंचा नाम करके आना ठीक है भैया कोई 10 दे 500 देना कोई 500 दे तुम 5000 देना पाँच 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 हजार अरे कैसी ऊंची सांसें ले रहे हो अरे यार जो कैसी ट्यूशन पढ़ा रहे हो जब माँ मुश्किल से तो मैंने पाई है माया नेक दिन जा लुटाई थी माया कभी लुटाए से लुटती नहीं है और जिस आदमी के नसीब में सुख लिखा है वो 10 रुपए खर्च करेगा तो 10,000 की आमदनी होगी उसके लिए माँ होगी भागी में तो फिर मिल जाए
आगे रेशम लगाए दी चोर घर के अहिरे नाम कछ नए कभी तेरे धन दौलत की तेली तो बाबा